लेकर कानपुर में भड़की हिंसा पर अब राजनीति की रोटियां सिकना। एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार के आदेश का पालन करते हुए हिंसा फैलाने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, तो प्रदेश के पूर्व सीएम एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव हिंसा के दौरान गोलीबारी में मरने वाले तीन लोगों के घर पहुंचे, जहां अखिलेश यादव के पहुंचते ही बाबूपुरवा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और अखिलेश को देखते ही पूरा इलाका अखिलेश जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। वहीं जिले के प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे थे। अखिलेश यादव ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें आश्वासित करते हुए भरोसा दिलाया कि वह उनके। कानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बाहर निकालना चाहते हैं क्या? आसाम की जनता यही चाहती थी क्या? आसाम के लोगों की यही मांग थी? आपने आसाम में भी झगड़ा लगा दिया, नॉर्थ ईस्ट में भी बहस छेड़ दिया आपने, और एनपीआर का डर दिखा करके पूरे देश में बहस छेड़ दी। लोग लाइनों में लग रहे हैं। आपने इशारा किया था कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा।